फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बच्चों के फेस पर कौन सा लोशन लगाना चाहिए। सभी मदर्स को ये कंफ्यूजन रहती है कि बच्चे को हिमालय का लोशन यूज करना है, बेबी जॉनसन का यूज करना है, या फिर आजकल तो इतने प्रोडक्ट आने लग गए हैं कि इंसान अगर मार्केट में लेने जाएगा तो उसको चॉइस ज्यादा मिलेगी, इंसान करे क्या वहाँ। कौन सा बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है, स्किन पे कौन सा सूट करता है, कौन सा सूट नहीं करता। क्या आपको भी यही कंफ्यूजन है कि कौन सा लोशन, बॉडी लोशन मेरे को अपने बेबी पे लगाना चाहिए। अगर कुछ ऐसी ही कंफ्यूजन आपके माइंड में है तो मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, चाहे समर हो चाहे विंटर। समर में हमारी स्किन इतनी ड्राई नहीं होती, विंटर में ड्राई होती है स्किन। लेकिन जो ट्रीटमेंट आज मैं आपको बता रही हूँ वो समर हो या विंटर हो, नो प्रॉब्लम, सबसे फास्ट। दूसरी बात, कभी कभी बच्चों के नेल्स लग जाते हैं फेस पर, न्यू बॉर्न बेबी होता है या फिर 3 साल का, 4 साल तक का हो चुका है, चाहे कोई भी किस भी एज का बच्चा है, उसके नेल्स लग जाते हैं, अपने नेल्स लग जाते हैं, किसी का नेल्स लग गया, कहीं गिर गया, चोट लग गई, कुछ भी, कोई भी चोट लग गई, तो मैं ये कभी कभी मॉस्किटो खा जाता है, मच्छर खा जाता है, तो बच्चे को ये सारी की सारी चीजों को ट्रीट कर सकता है, उसका ट्रीटमेंट कर सकता है। जो चीज मैं आज आपको बता रही हूँ, सबसे फर्स्ट आपको एक चीज बताती हूँ, मैं अपने बेबी पर हमेशा ही यही चीज फॉलो करती हूँ और कोई बॉडी लोशन मैंने उसके लिए नहीं लेकर आई, कहीं भी कोई मतलब यूज नहीं किया। सबसे फर्स्ट ये, क्योंकि मैं खुद ये चीज यूज करती थी इसलिए मैंने उसको भी यही। तो ये क्या है सब जानते हैं, बोरो प्लस। सिर्फ एक बोरो प्लस है जिसके द्वारा आप मच्छर कट गया है तब लगा सकते हैं, नेल्स लग गया, आप स्किन को सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, स्किन को की केयर करना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया चीज है ये। बोरो प्लस का यूज करके आप एक चीज और, रात को बच्चे के फेस पर बोरो प्लस अच्छे से लगाकर सुला दीजिए, सुबह उठेंगे बच्चे की स्किन और सॉफ्ट हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, बहुत ही अच्छी चीज है जिसके द्वारा हम अपने बच्चे की स्किन को सॉफ्ट बना सकते हैं, और मैं अपने बेबी की स्किन पर यही लगाती हूँ। इसके अलावा एक चीज और बताती हूँ, ये तो हो गया कि बेबी की स्किन पर लगाना है, क्या बेबी स्किन पर लगाने के लिए हो गया, अब आ गया बेबी के हेड पे कौन सा ऑयल लगाना है। तो मैं कोई कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल यूज नहीं करती, बॉडी के लिए जरूर करती हूँ, लेकिन जब भी बच्चे के सिर पर मसाज करनी है तो हमेशा ही बादाम रोगन का ही यूज करती हूँ, क्योंकि बादाम रोगन से जब बच्चा आगे टीथ निकालता है या टीथ निकाल रहा है तो उसको बहुत मदद मिलती है, उसके मतलब टीथ वाला दर्द तो बिल्कुल नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चे को पोटी लग जाती है, कुछ लोग कहते हैं बच्चा बहुत सिर दर्द होता है, बच्चा अपने बाल खींचता है, बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है, कुछ नहीं ऐसा। हमेशा ही जब भी बच्चे के सिर पे मालिश करो, मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि आप रोज करो, जब भी मालिश करनी है आप बादाम रोगन से ही मालिश करो अच्छे से। वो भी एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि अगर हो सके तो नहलाने के बाद करें, ताकि ऑयल बच्चे के हेड पर आसानी से जा सके। अब अपने नहलाने से अगर पहले कर देंगे तो आधे घंटे बाद बच्चे को नहला देंगे और ऑयल सारा निकल जाएगा, नहीं, नहलाने के बाद कीजिए ताकि बच्चे को बादाम रोगन असर कर सके। जब बच्चा टीथ निकालेगा तो आप खुद देखेंगे कि उसको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। आप पहले दिन से न्यू बॉर्न बेबी के सिर में भी यही ऑयल यूज कर सकते हैं, और जितना भी बड़ा बच्चा है सबके, खुद के भी, बहुत ही बढ़िया है ये ऑयल। ये दोनों चीजें स्किन के लिए और सिर के लिए, दोनों चीजें बेस्ट है।